हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज देने वाले हैं संडे की गार्डन की अपडेट। तो दिखाते हैं क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है और कैसा लग रहा है गार्डन। तो सबसे पहले ये खूबसूरत फूल मोगरे के जो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और काफ़ी बड़ा साइज आ रहा है इनका और खुशबू से भरे हुए हैं तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इधर ये हमारा मधुकामिनी काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसे सहारा दे दिया हमने इस तरीके से। और इधर ये टिकोमा अच्छे से फ्लावर कर रहे हैं, ये अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। और सदाबहार भी हमने इनके साथ लगा दिया है तो ओवरऑल कुछ ऐसा लुक लग रहा है। इधर एक्जोरा में भी बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। हर एक बंच में अच्छा सा फ्लावर आ रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। टिकोमो भी ऐसे ही कर रहा है फ्लावरिंग। बहुत बढ़िया पौधे हैं, अगर नहीं लगाए तो ये फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए तो लगा सकते हैं इनको। और ये फ्लावरिंग के साथ साथ इनमें ये क्या कहते हैं नए सूट्स भी आ रहे हैं। इधर ये थूजा है, अंजीर की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, अंजीर बहुत बढ़िया से चल रहे हैं और उसमें छोटी सी अंजीर मुझे दिख भी रही है, ये आनी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो कुछ नहीं, गुड़ाई करके मैंने इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया था जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इधर थूजा, ये अब जैसे विंटर आएगा तो फिर मैं यहाँ से हटा दूँगी इसको, अभी फ़िलहाल सब ऐसे रखे हुए हैं। तो ये यूफोरबिया मिलीवी को अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी, ये थोड़े से फेड हो गए हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। इधर इधर तुलसी रख दी है सामने, इसमें थोड़े कीड़े से अटैक करा था लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। इधर ये हमारे अमेलिया प्लांट, एक ये अच्छा सा प्लांट कहा जाता है तो मुझे इसका नाम अभी नहीं पता है। बाकी ये वाला हमारा पौधा सही हो गया, इसकी पत्तियां ठीक हो रही हैं अब धीरे धीरे, जो कर्ल हो गई थी कुछ पत्ते नए निकल आए हैं अच्छे, कुछ अभी भी वैसे ही हैं तो आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा। तो इस पर करना कुछ नहीं है, चार्ज का स्प्रे लगातार करना है तो ये इससे ही सही हो जाएगा। और इसको अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करना है गमले में और इस पर स्प्रे ज़रूर करना है। ये हमारा ओलियंडर, ये इस पर फलियाँ बनने लग गई हैं तो इस पर ट्रिमिंग कर दें, नहीं तो फलियाँ बनने लग जाएंगी, फिर ये बीज ही आएंगे, फूल नहीं आएंगे। तो मैंने क्या करा है, थोड़ा सा इसको कट कर दिया है, बाकी ये वैसा ही है ज़्यादातर। इधर ये हमारा बैंगन का पौधा बहुत बड़ा हो गया था तो इसे भी मैंने कट कर दिया है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना हो तो इस तरीके से कट कर दें तो अच्छे से उसमें दोबारा से ग्रोथ होगी और फिर बढ़िया सी फ्रूटिंग मिलने वाली है आपको। वैसे तो ये फ्रूटिंग कर ही रहा है लेकिन मैंने इसे कई जगह से कट कर दिया था, बहुत फैल रहा था। बाकी ये नीचे ग्रो बैग लगाए हैं, इनमें कुछ कुछ सब्जियां लगा दी हैं तो अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, कल परसों ही लगाई हैं। आने वाले समय में दिखाऊँगी कि इनमें क्या सब्जियाँ लगाई गई हैं। इधर कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत बढ़िया है, कटिंग के बाद बहुत अच्छा हो गया है। बाकी इसे ऐसे पिंच करते रहेंगे ऊपर से इस तरीके से तो ये पौधा और घना हो जाएगा और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये यूफोरबिया ग्रांटी अगर ग्रीनरी ऐड करनी है अपने गार्डन में तो ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा पौधा है, बिना केयर के चलता रहता है। इधर ये सब ग्रो बैग रेडी हो गए हैं, सब में कुछ ना कुछ बीट डाल रखे हैं तो जब निकलेंगे तो ज़रूर दिखाएँगे। इधर मैं दिखाऊँ तो एरोकेरिया भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लगने लगा है, इस पर ग्रोथ अच्छी चल रही है। और अनार का पौधा मैं दिखाऊं तो कम से कम 7-8 फीट लंबा हो गया है तो इसे भी कटाई छटाई का समय आ रहा है तो इसे भी कट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। पीछे की साइड में दिखाऊं तो दीवार पे उधर मिर्च के पौधे और कुछ बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, इस पर बैंगन बहुत सारे आ रहे हैं। ये एक जो टब में लगाया हुआ है, उधर पीछे जो एक ग्रो बैग में है उसमें भी बैंगन बहुत सारे लगे हुए हैं, इसमें भी खूब सारे लगे हुए हैं। बाकी इधर अरवी लगा रखी थी तो वो अरवी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इधर ये वही मैक्सिकन पिटूनिया और रेड लिली रखी हुई है बैगों में। बाकी ये बाजरा का एक पेड़ लगाया था चिड़ियों के लिए तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें बाली आने वाली है तो आने वाले समय में दिखाएंगे। बाकी शाम हो रही है तो फूल ज़्यादातर मुरझा गए हैं, कुछ खिले हुए हैं तो मैं दिखाती हूँ।
तो ये कूड़ा मैंने स्पेशली रखा हुआ है दिखाने की वजह से। करना क्या है, इस तरीके का कूड़ा इकट्ठा करना है आपको, और जो नया गमला रेडी करना है ना उसके ड्रेनेज के लिए सबसे अच्छा रहता है और पौधे को बहुत ताकत देता है। तो कुछ जो कंकड़ पत्थर डालते हैं ना उसके ऊपर इस तरीके से इसे भर दें तो क्या होगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब नहीं होगा कभी भी। इसमें फूल और पत्ते और कुछ टहनियाँ हैं जो कटिंग करे हुए हैं, बाकी थोड़ी बहुत मिट्टी है, तो ये ड्रेनेज का बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। आपको दिखाएंगे बीट रूट की कुछ ऐसी हो रही है जर्मिनेशन, उसमें बीट रूट लगाए हुए हैं, और इधर ये इसकी गुलदाउदी की दो चार कटिंग लगा दी थी तो वो कुछ चल रही हैं ऐसी, बाकी ये तो बढ़िया से चल रहे हैं। अनार की कटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इधर कुछ फूल खिले हुए हैं, ये पौधे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये पिंक वाइट रेड पूरा भरा रहता है हमेशा फूलों से, तो पूरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है इधर। तो इधर ये बाल्टियों में भी मैंने सब्जियां लगाई हैं, मूली लगाई है इन सब में, और भी कुछ अलग से सीड्स डाले हैं जो निकलेंगे फिर दिखाएंगे। इधर ये मेहंदी है, मेहंदी के सीड्स पक गए हैं तो मैं दिखाती हूँ कैसे होते हैं इसके पके हुए सीड। तो इस तरीके से ये है, इसका पक गया है तो ऐसे निकलेंगे इसमें से बीज, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं यही इसके बीज हैं, इनको हम डाल देंगे तो यहीं से मेहंदी का नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये बीज पक गए हैं, कुछ पक रहे हैं अभी, बाकी सब बढ़िया सा ही है, अच्छा चल रहा है गार्डन में सब कुछ। और मैं दिखाती हूँ जो नई जर्मिनेशन है वो कैसी है, तो वो अभी दिखाती हूँ। तो ये है हमारी सब्जियों की जर्मिनेशन, जो पौधे लगाए थे हमने वो सब अच्छे से उग गए हैं। इधर ये है कुछ और इधर लगाए थे इस टंकी में, इसमें भी उग गए हैं। ये गाजर दिख रहे हैं कुछ, और भी इसके साथ में कुछ और भी दिख रहा है। इधर एक कटिंग लगाई थी इसकी बोगनविला की, ये भी अच्छे से चल रही है। इधर कुछ नया ऐड करा है हमने ग्रो बैग में, सब में सब्जियां लगा दी हैं कुछ ना कुछ, तो ये इस तरीके से अभी चल रहे हैं। इधर मिर्च का पौधा लगा हुआ है, उसमें मिर्च आ रही है, ये लंबी वाली मिर्च है। ये हमारा जेट्रोपा प्लांट, तो कुछ सेटिंग अलग चेंज कर दी है, अमरूद का जो पौधा नीचे रखा हुआ था उसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे इसको धूप प्रॉपर मिलेगी। ये हमारा पुराना वाला पौधा है, ये भी अच्छे से चल रहे हैं। इधर नींबू ये अच्छे से चल रहे हैं, और ये दूसरा वाला नींबू जिसमें नहीं बन रहे थे फ्रूट, उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और फ्रूट भी बनने लग गए हैं। एक जगह लगा हुआ है, एक ही लगाया है, ज़्यादा तो अभी नहीं है, बस इस पर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो ये थी आज की अपडेट, तो आने वाले समय में दोबारा से जो रह गया है गार्डन उसकी अपडेट देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और गार्डनिंग करते रहिए और पौधे लगाते रहिए। बाय बाय।